कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में अभियान चला रहा है। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर हिंदू अल्पसंख्यक पर उत्पीड़न के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथी लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों का दमन कर रही हैं और मंदिरों को तोड़ रही हैं। जबरन धर्मांतरण, जबरन निगाह, दुष्कर्म जैसी घटनाएं अपने चरम पर हैं। इन अत्याचारों से मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ पाकिस्तान की केंद्र और राज्य सरकारों की भी मिलीभगत होती है। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे मुस्लिम कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के कलाद कस्बे में हिंदू महिला की हाल ही में मौत हो गई थी। महिला के रिश्तेदारों ने उसका अंतिम संस्कार शमशान घाट में कर दिया। जब महिला के परिजन शमशान घाट से वापस लौट गए तो कुछ कट्टरपंथियों ने महिलाओं की अस्थियों को बाहर फेंक दिया। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के जुल्म अब इतने बढ़ गए हैं कि अल्पसंख्यकों को वहां रहना किसी नर्क से कम नहीं लग रहा। इस नर्क में 11 अक्टूबर को सिंध प्रांत में एक बार फिर एक हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है। पाकिस्तान में 15 दिनों में यह चौथी घटना है। युवतियों का न सिर्फ अपहरण किया जाता है जबकि उनका जबरन धर्मांतरण कराकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर भी किया जाता है। और निराशा की बात तो यह है कि इस गंभीर मामले पर पाकिस्तान की सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। पंजाब के सिंध प्रांत में 9 अक्टूबर को जमीयत उलमाए सिंध के महासचिव मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने हिंदू युवक अजय का जबरन धर्मांतरण कराया, जबकि पंजाब प्रांत में एक खेतीर हिंदू महिला को बेरहमी से पीटा गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने महिला के घर में घुसकर परिजनों को बंधक बनाया और हथियार के दम पर दुष्कर्म किया। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी चैनल समा टीवी के सर्वे में पाकिस्तान के जुल्मों की कहानी कह दी। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 तक देश में 21,900 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई। इसका मतलब है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 12 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, यानी हर 2 घंटे में एक महिला से रेप। वास्तविक मामले इससे और अधिक हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं सामाजिक कलंक, डर के चलते वोट दर्ज नहीं कराती हैं। इस्लामिक देश पाकिस्तान हमेशा से ही अल्पसंख्यकों के लिए नरक की तरह रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर न केवल धर्मांतरण बल्कि धार्मिक हिंसा और बलात्कार जैसे अनेकानेक तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन मामलों पर पाकिस्तान की केंद्र और स्थानीय सरकारें दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी कार्यवाही की बात तो करती हैं, लेकिन असलियत में वे इन कट्टरपंथियों के साथ में ही खड़ी होती हैं। तभी तो ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।